प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो, इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीखेंगे जब मास यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दिया रहता था तो उससे निकालते थे। अभी यहाँ पर देखो जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो 4 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है, तो प्रोटॉन का मास यहाँ दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का यहाँ से मास दिया हो, तो ये प्रोटॉन्स और अगर ये न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये सब मिल के हीलियम की न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस में क्या होता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका मास हमेशा कम आता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको निकालना होता है बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का सिंपल सा तरीका है मास डिफेक्ट डेल्टा एम और सी का स्क्वायर, या मास डिफेक्ट AMU में निकाल लो और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से AMU में ही है तो मास डिफेक्ट, यहाँ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास निकाल लो, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और माइनस यहाँ से मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के मास से यहाँ माइनस कर दो। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं भाई, तो 2 प्रोटॉन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स मास ऑफ, एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.2 कॉमन ले लिया मैं, 1.0073, प्लस यहाँ से न्यूट्रॉन्स कितना है 1.0087 और माइनस यहाँ से 4.00, यहाँ से 1.5। तो पूरा इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना तुम, 0.035 आ जाएगा, 0.0305 आएगा, 0.0305, दिस इज द वैल्यू AMU में है। तो AMU एटॉमिक मास में है, तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर रख दोगे इस फार्मूले में तो अपने आप बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, मतलब यहाँ से मास डिफेक्ट 0.0305 और यहाँ से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 28.4 यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी ऑप्शन है वो अपना सही मैच कर जाता है। थैंक यू।